हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिट है। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे कमेंट्स मिली थी कि भाई कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें कैल्शियम, आयरन और एचबी की, जिसमें जो हीमोग्राम बोलते हैं, उस खून की कमी को पूरा किया जा सके। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल फ्री का इलाज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कैल्शियम और खून की कमी को और आयरन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है उस पर ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपने हर बीमारी का ट्रीटमेंट अपने घर पर घरेलू तरीके से कर सको। साथ में बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे कैल्शियम, आयरन और खून की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा नुस्खा दोस्तों, आप अपने घर पर अपने घर के रसोई घर के सामान से इसको पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, आजकल जो पिछला सीजन गर्मियों का था उसमें चिकनगुनिया बहुत सारे लोगों को हो गया था। तब से लेकर आज तक उनका चिकनगुनिया तो ठीक हो गया, लेकिन उनके शरीर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, उनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। खासकर ये दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी, उनके के अंदर भी कैल्शियम की कमी बहुत कम होती है, बहुत कम कैल्शियम होता है, और जो उनका आने वाला बच्चा होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम मिलती है, क्योंकि वह अपनी सेहत का ध्यान इतना ज्यादा नहीं रख पाती हैं, क्योंकि वो इंग्लिश दवाइयां लेती रहती है। उससे थोड़ी देर के लिए तो टाइम, थोड़ी आराम मिल जाता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए आराम नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों, हम ऐसा नुस्खा बताएंगे कि आप अपने घर पर इसका यूज कर सकते हो और अपने कैल्शियम, आयरन और खून की कमी को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूं अपने अंदर आयरन की कमी को पूरा करने का और कैल्शियम की कमी को पूरा करने का। दोस्तों, आपने करना क्या है, अदरक आपने लेना है। अदरक आपने सभी ने सुना ही होगा, अदरक का यूज हमारी रसोई में चाय में भी डाल कर अदरक का यूज किया जाता है। आपने 1 इंच अदरक लेना दोस्तों। 1 इंच अदरक को आपने 1.5 कप पानी में या फिर 2 कप पानी में छोटे छोटे पीस करके डाल लेना है। तो दोस्तों, उसको हमने करना क्या है, डालकर जैसे चाय बनाते हैं हमने उस पानी को ऐसे गर्म करना है। जब वो पानी 2 कप से 1 कप बच जाए तो उसको छान लीजिए और हर शाम को सोते टाइम उसको 1 कप पानी को आप पी लीजिए। ऐसा दोस्तों, अगर आप लगातार 10 या 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप कैल्शियम आपके अंदर पूरा नहीं हो जाता आप तब तक इसका यूज कीजिए। इसका इससे हमारे हमारे शरीर का कैल्शियम बहुत ज्यादा जल्दी टाइम में रिकवर हो जाता है। जो नंबर दूसरा जो तरीका दोस्तों वो है जीरा। जीरा आपने सभी ने सुना ही होगा, सब्जी वगैरह में हम यूज करते हैं। आप जीरे को, थोड़ा सा जीरा ले लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद उस पानी को आप उबाल लीजिए, उबालने के बाद उस पानी को आप पी लीजिए। इससे भी कैल्शियम की कमी को बिल्कुल पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम जो ये खट्टे फल आते हैं जैसे नींबू, मौसमी, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आप दिन में 1 या 2 बार खट्टे फल जरूर खाइएगा, इससे भी कैल्शियम की मात्रा को पूरा किया जा सकता है हमारे शरीर में। और जो तिल आपने सुनाई है, गर्मी है दोस्तों इसलिए मैं तिल का नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि गर्मी उनकी जो प्रकृति होती है, उनकी नेचर होती है, वो बहुत ज्यादा हीट होती है, उनकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए तिल का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज आप सर्दियों में कर सकते हो। अगर कोई ठंडे इलाके में रहता तो तिल भी खा सकता है। 1 या 2 चम्मच भुने हुए तिल अगर आप खाते हो तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जो जो दूसरी बात है दोस्तों वो है खून की कमी और आयरन की कमी को आप कैसे कैसे पूरा कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही आसान नुस्खा, पालक आपने सभी ने देखी होगी, पालक से इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप पालक लीजिए, शाम को आपने पालक भिगो के, या फिर भिगोनी नहीं है तो आपने शाम, जैसे आप पालक की सब्जी बनाते हैं तो उसको हमें उबालते हैं पानी को, जो पानी उबला हुआ पानी बच जाएगा उस पानी को आपने दोस्तों पीना है। लेकिन जो पालक बन गई उसकी आप सब्जी खा सकते हो, आप उसको फेंक दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो उसका जो पानी होता है, जो उबलने के बाद जो 1 गिलास पानी बच जाता है उस पानी को आप पी लीजिए। सुबह शाम लगातार पीजिए आप इसको, एक बार एक टाइम भी पी सकते हो, 2 टाइम भी पी सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट, किसी भी दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके रिजल्ट बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं दोस्तों। अगर आप 20 या 25 दिन तक ये चीजें लगातार कर लेते हो तो आपके अंदर कैल्शियम, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पालक में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है और हमारे ब्लड को बहुत ज्यादा, हमारे ब्लड को नई आरबीसी बनने में बहुत हेल्प ये करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। एक भाई की और 2-3 भाइयों कमेंट्स आई थी कि भाई कोई ऐसी वीडियो बनाई, हमारे अंदर कैल्शियम में बहुत ज्यादा कमी है,
तो कैल्शियम को कैसे पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम को पूरा करना बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों, किसी भी एलोपैथिक दवाई को लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप ये छोटे से नुस्खे अपना लीजिए और आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। कोई भी टेबलेट्स वगैरह आपको खाने की जरूरत नहीं है, इसको महिला पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए नुस्खे के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उस पर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कर दीजिए, मैं उसी टाइप की वीडियो आपके सामने लाऊंगा और आपकी बीमारी का भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट आप अपने घर पर कर सको। तो दोस्तों आज का वीडियो तक था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।